नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं माय सिटी माय लाइफ यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के सुपौल जिला के बारे में चर्चा करेंगे। सुपौल जिला भारत के बिहार राज्य के 38 जिलों में से एक है और सुपौल शहर इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। सुपौल जिला 2410 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सुपौल जिले को 14 मार्च 1991 को सहरसा जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। सुपौल जिला उत्तर में नेपाल, पूर्व में अररिया, दक्षिण में मधेपुरा, पश्चिम में मधुबनी जिले से घिरा हुआ है। सुपौल जिला कोसी प्रमंडल का हिस्सा है। कोसी नदी इस जिले से होकर बहती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो जिले की साक्षरता दर करीब 72.86% है। जवाहर नवोदय विद्यालय, RM पब्लिक स्कूल, विलियम हाई स्कूल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। RK सिंह, सैयद शाहनवाज हुसैन, उदित नारायण, शारदा सिन्हा, ललित नारायण मिश्रा, गोविंद कुमार सिंह जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। सुपौल जिले को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है, सुपौल सदर, बीरपुर, त्रिवेणीगंज और निर्मली। सुपौल जिले को 11 ब्लॉक में बांटा गया है, बसंतपुर, राघोपुर, प्रतापगंज, सुपौल, किशनपुर, रायगढ़, भपटियाही, पिपरा, त्रिवेणीगंज, छातापुर, निर्मली, मरौना इत्यादि जिले के ब्लॉक हैं। कृषि इस जिले का प्रमुख व्यवसाय है और धान मुख्य फसल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सुपौल जिले की आबादी करीब 22,88,397 थी। नेशनल हाईवे 57, 106, 107 जिले से होकर गुजरती हैं। सुपौल रेलवे स्टेशन जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। धरहरा गांव, विष्णु मंदिर, तानसोलिया, कोसी नदी, कपिलेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर जिले के प्रमुख रुचि के स्थान हैं।